गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरुजी की आज्ञा से हम महान ग्रंथ दिव्य आभा का अगला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विवाह के 6 वर्ष उपरांत। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टि गोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरे गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। पराध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और DNC का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपने चिकित्सक के पास ले जाया गया, तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में पूर्ण गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह्न तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। ये शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यह सत्संग एक भगत का है। शुक्राना गुरुजी। बोलते समय कोई गलती हो तो गुरुजी क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें, नजर अंदाज करें। जय गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।